इसको क्या बोलते परस, उलझी हुई चोटी पड़ी है। ये देखो लैंप है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आया हूँ हिमांशु भैया के घर पर। तो आपको मैं बताता हूँ, ये रहा हिमांशु भैया का घर, देख सकते हो। और हिमांशु भैया का एक अच्छा सा बिजनेस है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो पुष्कर में बहुत ज्यादा चलता है और बाहर एक्सपोर्ट होता है। और हिमांशु भैया ये सारा मटेरियल घर पर बनाते हैं, तो मैं आज वो मटेरियल आप सभी को दिखाऊंगा। तो चलो देखते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि हिमांशु भैया का एक बिजनेस है, उसके बारे में। मेक्रामेक के ब्रेसलेट होते हैं। ये क्या आंटी? ये हिमांशु भैया की मम्मी जी। पक्का वाला शॉप है। पक्का वाला शॉप, वो क्या होता है? अच्छा सर, वो क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? परस, बेग, परस है ना। ये सब धागों से बन रखे। ये कौन सा धागा है आंटी? ये जो अपने नाड़ा का, नाड़े वाले धागे। अच्छा, नाड़े वाले धागे से बहुत सारे मेकरामेक वगैरह बना रखे। देखो ये पौधा है इस मेकरामेक में, आधे से ज्यादा फेक है। कहाँ पे जाते? मनाली, हाँ, गोवा, पानीपत और पूरी पुष्कर में। और पुष्कर में आउट ऑफ इंडिया नहीं जाता क्या? वो जाता ही होई ना, लेट जाओ ना। अच्छा, आउट ऑफ इंडिया भी जाता है और वहाँ पे और शॉप लगा रखी है ना। हाँ। अच्छा, ये हिमांशु भैया की मम्मी जी है। और यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें हिमांशु भैया बनाते है और सिखाते भी है कुछ बच्चों को। ये देखो लैम्प है, इसे क्या लैम्प बोलते? ये लैम्प है, देखो इसमें लट्टू, ये रहा लट्टू, देख सकते हो यहाँ पे। ये लट्टू है जिससे लैम्प बन जाता है, कहीं घर में सजाने के लिए काम आता है। हाँ, यहाँ पे कहीं पे भी लगा सकते हो आप, जहाँ खुटी वगैरह होती है ना वहाँ पे लगा सकते हो। और ये बहुत सारे डिजाइन है, देख ये डिजाइन है, सब अलग अलग डिजाइन। ये देखो छाबड़ी के हिसाब से, ये कौन, ये क्या है? ये टोकरी का है, ये टोकरी भी। अच्छा, इसमें से इनपे डिजाइने बनती है। हाँ। इन टोकरियों पे डिजाइने बनती है। हाँ। और ये रॉ मटेरियल पड़ा है, देख सकते हो आप, बहुत सारी चीजें यहाँ पे। ये थैली, अच्छा इसमें पैक होती है, पैकिंग वाली थैली है। अच्छा, बहुत सारे माल है। कुछ बच्चे भी आते हैं यहाँ पे हिमांशु भैया से सीखने के लिए, और हिमांशु भैया खुद भी बनाते हैं। और बहुत सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हो, कपड़ा भी तकातक बनाओ। अच्छा, कपड़े तकातक भी बनाते हैं और ब्रासलेट भी बनाते हैं हाथ में पहनने के, है ना। गोवा, मनाली और पानीपत में शॉप है हिमांशु भैया की, तीन तीन शॉप है। और यहाँ से मटेरियल जाता है माल बन बन के, और बच्चे सीखने भी आते हैं हिमांशु भैया के पास। कुछ बच्चे सीखने के लिए और आते हैं। यार बहुत टैलेंटेड भैया है मेरे हिमांशु भैया। और अभी मैं उनके घर पे आ रखा हूँ, क्योंकि मम्मी जी यहीं पे है, देख सकते हो। हिमांशु भैया का घर दिखा रहे हैं मम्मी जी मासी को। और बहुत सारे देखो यहाँ पे रॉ मटेरियल पड़ा है, ये नाड़े होते हैं ना जो है ये। और यहाँ पे देखो धीरे लोग बच्चे बना बना के जाते हैं, सीख सीख के जाते हैं। और बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखो, लैम्प है, डिजाइन है, और ये टूल्स पड़े हैं यहाँ पे, बहुत सारे टूल्स है। और यहाँ पे देख लो, ये रॉ मटेरियल है, सारा रॉ मटेरियल। देखो कितनी अच्छी अच्छी डिजाइन है। ये पर्स देखो, ये बैग देखो, ये कितना अच्छा बैग है, वाह यार शानदार, देखा, टैलेंटेड, शानदार है यार। तो फ्रेंड्स, ऐसे हाथ में पहनने के मेकरामेक होते हैं जो हिमांशु भैया बनाते हैं। और भाई ने मुझे गिफ्ट दिया है, देख सकते हो, ताकि भैया पहन लो एक मेरी तरफ से। और बहुत सारे यहाँ पर देख लो, बहुत सारे, बहुत ही ज़्यादा पड़े, देख लो इतने सारे, एकदम चोटी, वो भी उलझी हुई चोटी पड़ी है। और बहुत सारे मोती भी है यहाँ पर, अलग अलग डिजाइन के मोती है, कुछ और मेकरामेक है। तो हमारे हिमांशु भैया भी आ चुके हैं, एक्सप्लोर करेंगे। हेलो, कैसे हो आप? बढ़िया हो? गुड। तो हिमांशु भी आ चुके हैं अपने वर्क कर, देख लो। और इतनी देर हम सारी इन चीजों को एक्सप्लोर कर रहे थे, अब हिमांशु भैया को एक्सप्लोर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है।